नमस्कार, सीएम प्रभारी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। शामली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, एक पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में हुआ घायल। चौसाना पुलिस को मिली सफलता, गैंगस्टर में वांछित दो अपराधी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। पानीपत में शुगर मिल के निर्माण का रास्ता साफ, शुगर मिल पर आएगी 350 करोड़ रुपए की लागत। कुशामी में घाट पर फायरिंग से दहशत, बालू कारोबारी और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में बोले रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, सरकार ने अपने हर वादे को किया है पूरा। काजपुर में ट्रक की चपेट में आया वृद्ध, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन। मिलाने में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, लापरवाही के चलते महिला की बिगड़ी तबीयत, आंखों में ड्रॉप डालने के बाद मुंह से निकला खून। मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने की प्रेस वार्ता, कहा यूपीए में खाली हाथ मोदी राज में चौतरफा विकास। बुलंदशहर में जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में हंगामा, एएमए से नोकझोंक और खींचातानी। नानोन में नगर परिषद ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ दिया धरना, नगर पालिका प्रशासन पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। दूसरा भूमिगत विद्युत लाइन वाला शहर बनेगा हरिद्वार, सीएम ने किया 388.59 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन। सिद्धार्थनगर में ब्लॉक गेट पर तालाबंदी, खंड विकास अधिकारी के तबादले को लेकर किया धरना। सिद्धार्थनगर में कॉन्स्टेबल ने लुटाया पैसों से भरा बैग, कॉन्स्टेबल की हर जगह हो रही है प्रशंसा। लखनऊ में कश्मीरी व्यक्तियों की पिटाई का मामला, पुलिस ने मामले में की गिरफ्तारी। लखनऊ में संदिग्ध हालत में शव मिलने से फैली सनसनी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मऊ में बसपा प्रभारी अतुल राय ने बिगाड़ा सभी प्रत्याशियों का गणित, लगातार गांव गांव जाकर कर रहे जनसंपर्क। केदारनाथ में 13 फीट बर्फ, 45 दिनों से बिजली, संचार और आवागमन ठप। कुशाबी में नहीं सुधर रही योगी पुलिस, शव को कई मीटर रस्सी से बांधकर खींचवाया, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में रेस्क्यू कर टाइगर को पकड़ा, सुबह से ही मुस्तैद थी रेस्क्यू टीम। सागर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोले एमपी में लॉ एंड ऑर्डर का मतलब घूस लो और काम करो।